इसके बारे में और कुछ बता सकते हैं आप? बस इतना ही कि उसके बाएं हाथ पे घाव का निशान है। इसलिए रुमाल। इस केस के अजीबोगरीब हालात को नजर में रखते हुए अदालत इस बात को नहीं मानती कि मुलजिम हरिदास चौधरी ने नेशनल शूज लिमिटेड से 20 लाख रुपए का गबन किया है। हाँ, यह बात जरूर है कि मुलजिम ने वो 20 लाख रुपए कंपनी से बतौर कर्ज के लिए है और वो उसे लौटाने के जिम्मेदार है। यह अदालत उन्हें 10 दिन की मोहलत देती है। अगर इस समय में वो नेशनल शूज लिमिटेड को सारी रकम नहीं अदा कर सके तो मुलजिम का मकान और सारी निजी जायदाद नीलाम करके रुपए वसूल किए जाएंगे। आओ इंस्पेक्टर। हेलो मिस्टर चौधरी, आओ बैठो। ये आपके लिए कुछ चिट्ठियां हैं जो हमारे हेडक्वार्टर्स में आई हैं। ओ, मैं तो समझा था मेरे लिए वारंट लेकर आए हो। ये सारे खत किसके हैं? ये प्यार और इज्जत के फूल हैं मिसेस चौधरी, जो अनजान लोगों ने मिसेस चौधरी के नाम भेजे हैं। देखा सुनो, यही तो सिर्फ धन दौलत और मिला तो ढेर सारा प्यार। आदमी इसी घड़ी के लिए तो जिंदा रहता है, लेकिन एक आदमी बहुत खुश होगा। कौन है वो? इन्हीं के पेशे का है जी। वो आदमी गीता से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। चौधरी साहब, वो आदमी इन हजारों आदमियों की तरह आपकी बहुत इज्जत करता है। तुम जानते हो उसे? जी हाँ, अच्छी तरह जानता हूं। उसने शायद मेरे बारे में आपको बताया होगा। जी हाँ। नाम क्या है उसका? सीआईडी इंस्पेक्टर अमरनाथ गिल। अमरनाथ, रजाक, 3 दिनों से शहर का चप्पा चप्पा छान मारा। शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस ने पहरा लगाया हुआ है, फिर भी कुछ पता नहीं चलता। मुलजिम का हुलिया सबको बताया जा चुका है, फिर भी अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन हम लोग उसका हुलिया अखबारों में क्यों नहीं छपा देते? इसलिए रजाक, अगर मुलजिम को यह पता चल जाए कि पुलिस उसका हुलिया जान चुकी है तो वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अपने बचाव के लिए वो न जाने कितने बेकसूर लोगों की जान ले ले, इसलिए उसके साथ हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए अमर? फिलहाल प्रेस को बुलाकर उस बैग की जानकारी देते हैं जिसमें मुलजिम तक रकम पहुंचाई गई है। ये वही बैग है जो हरिदास चौधरी ने मुझे दिया है। शर्मा सर, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। अपना कीमती वक्त क्यों जाया कर रहे हो? यह सच है सर, न केवल मैं बल्कि नेशनल शूज के सभी डायरेक्टर्स को अपनी गलती का एहसास है और वो इसका बदला चुकाना चाहते हैं। अच्छा? जी हाँ, वो आपको नेशनल शूज का चेयरमैन बनाना चाहते हैं। मुझे क्या करना होगा? इसका सबसे अच्छा पहलू यह है सर कि आपको कुछ नहीं करना होगा। दूसरे लफ्जों में तुम और तुम्हारे डायरेक्टरों को एक कठपुतली चाहिए ना? मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं मिस्टर अनिल शर्मा। तुम्हें हरिदास चौधरी नहीं बल्कि वो आदमी चाहिए जिसके लोग बन गा रहे हैं, जो मान जो इज्जत मुझे मिल रही है उसका सौदा करना चाहते हो। मिस्टर अनिल शर्मा, अपना यह कीमती ऑफर अपने डायरेक्टरों को लौटा दो, समझे आप? मैंने तो सोचा था आपको होश आ गया होगा, ये उसूलों का भूत आपके सर से उतर गया होगा, लेकिन नहीं। हरिदास चौधरी, अब आप पाई पाई को तरसें। गेट आउट। हम आपके मकान की एक एक ईंट नीलाम करके छोड़ेंगे। गेट आउट। गेट आउट ऐसे।
आप बैठे रहिए, नीलाम होने तक आप शौक से ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। रो मत भाभी, अच्छे दिन देखे हैं तो बुरे दिन भी निकल जाएंगे। चलो, मैं तो वैसे भी इन पुरानी चीजों से तंग आ गया था। मर्दों के लिए मकान ही सही, हम लोगों के लिए घर है। यहाँ हमारी सारी जिंदगी गुजरती है, आज एक एक चीज पराई हो गई हमारे लिए। काश मैं आपका पैसा भी वापस ला सकता। अच्छा अमर, परसों नीलाम है, अच्छा होगा अगर तुम भी आओगे। पापा, ये देखो पीला धुआं। सलाम साहब, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? कोई 25 साल से। मैंने मेरा मतलब था आज सुबह कितने बजे आए? आज सुबह 7 बजे। अच्छा सुनो, तुमने आज कोई लाल पीला चमड़े का बैग भट्टी में डाला है? जी क्या कहा साहब? तुमने कोई लाल पीला चमड़े का बैग भट्टी में डाला है? जी हाँ साहब। वो बैग तुमको किसने लाके दिया? जी मैं कुछ समझा नहीं साहब। जो बैग तुमने भट्टी में डाला वो तुम्हें कहाँ से मिला? जी वो आज सुबह मुझे कचरे में मिला था, फटा हुआ था, मैंने उसे उठाकर भट्टी में डाल दिया। अच्छा ठीक है जी। अच्छा सर, आपका मतलब है कि मुजरिम आपको मिल गया? मिला तो नहीं लेकिन मिल जाएगा, क्योंकि ये तो आप पहले भी कई बार कह चुके हैं। अब की बार जरूर मिल जाएगा, क्योंकि हमें उसका पता चल गया है। जिस जगह मुजरिम ने बैग जलाया था वो जगह हमने ढूंढ ली है। जगह पे हमें बैग के जले हुए टुकड़े, कुछ निशान और कुछ क्लूज मिले हैं। क्या है वो क्लूज? इनके बारे में मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा और आप इसे छापिए कि उन क्लूज के सहारे हम बहुत जल्द मुजरिम को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएंगे। That's all. तो क्या आप उस जगह का नाम? No more questions, please. देखिए आप मुझे, मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता, प्लीज। ओके फाइन। अमर, ये नए क्लूज क्या? तुमने मैं बताया नहीं? इसलिए नहीं बताए क्योंकि मैं भी नहीं जानता। क्या मतलब? एक चाल चल रहा हूं यादव, मुजरिम इस वक्त चूहे की तरह अपने बिल में छुपा हुआ है। हो सकता है अखबारों में हमारा बयान पढ़कर वो अपने बिल से निकल आए और कोई गलती करे। नहीं इंस्पेक्टर अमरनाथ गिल, इतनी आसानी से राजसिंह तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा।